हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएसआर फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएसआर फाइनेंस पे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि दोस्तों हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों एक नई लोन एप्लीकेशन लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अब सर आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो भैया फटाफट जो है ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। भाई यहाँ पर सर्च करना है आपको RSR फाइनेंस। जैसे आप ये चीज़ सर्च करोगे भैया, टॉप पे हमारा जो है ग्रुप आ जाएगा, नीचे ज्वाइन का बटन का ऑप्शन होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन होने का एक फ़ायदा ये है आप लोगों को कि यहाँ पर जो नई नई लोनों की अपडेट है सबसे पहले मिल जाती है और प्रूफ के साथ। भाई एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। एलरी सैलरी नाम है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस है। भाई अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट है। यहाँ पर अगर मैं पढ़ के बताऊँ, ही रंजीत थैंक यू फॉर योर अप्लाई ई सैलरी लोन विल यू नोटिफाई आवर टू एप्लीकेशन स्टेटस सन। तो ये कह रहे हैं कि रंजीत जी मैं आपको जो है नोटिफाई करूँगा, आपको बताऊँगा मैसेज के द्वारा कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। भाई अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या क्या लगने वाला है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आपका काम बहुत इजी से हो जाएगा, अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आप जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट, भाई बैंक स्टेटमेंट लगना आपके लिए कंपलसरी है और बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होना ज़रूरी है तो ही यहाँ से आप लोगों को लोन मिलेगा। भाई NBFC रजिस्टर है, RBI रजिस्टर है और EMI पे आपको लोन ये प्रोवाइड करेगी। भाई 101% लोन मिलता है यहाँ से। बकाया मैं लेके भी दिखाऊंगा, इसकी पार्ट टू वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए जो मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है। आपको मोबाइल नंबर से जो है रजिस्टर करना है एंड आधार कार्ड, EKYC भी कर सकते हो। अगर आपके पास EKYC नहीं है तो मैनुअल भी अपलोड कर सकते हो। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी मैनुअली बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद जो है आप दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बैंक स्टेटमेंट जो है दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपको PDF फाइल अपलोड करने का और दूसरा मिलेगा नेट बैंकिंग का। फिलहाल जो है मैंने नेट बैंकिंग से कर रखा है तो मेरा प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। रात को मैंने करा तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से इसमें टाइम लगेगा सुबह तक का। अगर मैं सुबह करता तो शायद हो जाता, इसलिए मैंने रात को किया तो इसमें जो है अभी थोड़ा टाइम लग गया। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। भैया 101% ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है और 101% आपको यहाँ पर MI पे लोन मिलेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को हमारे चैनल को दबा दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही नई नई लोन एप्लीकेशन RSR फाइनेंस पे आती रहती है।